कहीं भी अगर अन्याय हो रहा है, किसी के भी साथ हो रहा है, तो आपके साथ या किसी अन्याय किसी के साथ हो रहा है तो उसके साथ तेजस्वी यादव खड़ा है। पूरा समय लीजिए और लेना है ले लीजिए, सोचिए विचारिए देखिए। लेकिन एक बात हम जरूर पूछना चाहते हैं, कुछ पार्टी के लोग तो ये कहते हैं हमेशा कि भाई हम लोगों का नाम लेके, लालू जी का नाम लेकर के क्या क्या करता रहा, वोट लेता रहा, लेकिन आप लोगों को क्या मिला। एक बार इसका भी अध्ययन जरूर कर लीजिएगा कि जिसका जिन लोगों ने साथ दिया इतने वर्षों तक, उन्होंने आपको क्या क्या मिला, क्या हिसाब किताब है बताइए। तो इसका भी अध्ययन जरूर की, हम किसी का बुरा नहीं, ये आप लोग सब लोग मालिक हैं और जनता ही असली मालिक है जो हम मानते हैं। तय आप लोगों को करना है, आप लोगों को हिंदू मुसलमान धर्म पर वोट देना है या जो नौकरी देने वाले लोग हैं, जो विकास चाहते हैं, बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, मतभेद को मिटाना चाहते हैं, एकता की बात करते हैं, कि आप उनका साथ दें। आज हम लोग नौकरी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिन लोगों ने नौकरी के नाम पर वोट दिया आज उन लोगों को नौकरी मिलना शुरू हो गया, और जो लोग धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मिल जिनको मिला है उनको क्या मिला, बेरोजगारी मिली, गरीबी मिली, और क्या मिला आप बताइए, मिला क्या उन लोगों को, बुलडोजर मिला, घंटा घंटा मतलब इस पे नहीं भाई, पेट भरने का काम तो रोजगार मिलेगा तब ना पेट भरेगा, महंगाई कम होगी तब ना घर चलाना आसान होगा। लेकिन भाजपा वाले ने क्या क्या बात करता था बताइए, क्या क्या करेंगे, नहीं नहीं करेंगे, तो क्यों नहीं 15 लाख हो, 2 करोड़ रोजगार की बात हो हर साल। अब तो 10वां साल चल रहा है, समझिए कि 10 को 2 से गुना कर लीजिए तो 20 करोड़ रोजगार में कितना रोजगार दिए। हम लोग नियुक्ति पत्र बांटना शुरू किए तो उधर भी खुलकर 50,000 बांटे, बताओ बिहार राज्य में अकेले जो है 4 लाख से भी अधिक बहालियां निकाल दी गई अलग अलग विभागों में, और एक साथ तो अभी हो गया सेकेंड फेज की भी लगभग 70,000 का भी घोषणा हो गया शिक्षा का हो शिक्षकों का, बिहार अकेले लाखों में दे रहा है, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री है वो हजार में दे रहे हैं, और भी कब दिखावटी, तो उनकी तो सारी राजनीति दिखावटी बनावटी मिलावटी है। मोदी जी जो है आप मानिएगा नहीं, वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है, वो झूठ बोलने के होलसेलर है, वो झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर है, वो झूठ बोलने के रिटेलर है, यही उनका काम है। अब आप बताइए जब चुनाव होता है तभी मंदिर जाते हैं, और हम लोग तो जब चुनाव ना हो हमारे घर आइए तो हम लोग घरों में मंदिर बनवा के रखते हैं। लेकिन दिल्ली के लिए हम जाएंगे भगवान का आराधना करने तो हम दिल्ली दिल्ली फोटो खिंचवा के दिखाएंगे क्या, कि देखो हम पूजा करते हैं, हम ही हिंदू हैं। तो ये सब दिखावटी है, मिलावटी है, बनावटी है, इन लोगों को अपने से मतलब है। और आप लोगों को तय करना है कि आप लोगों को तय करना है कि आप कलम बांटने वाले का साथ दोगे कि तलवार बांटने वाले का साथ, कलम बटेगा तो परिवार खुश होगा, लाखों परिवार अभी खुश है दिवाली मना रहा है, लेकिन जिन्होंने तलवार बटवाया आज जिनके बच्चे दंगा फसाद में जेल में है क्या उनके घर दिवाली मन रहा है, क्या हो नुकसान किसको हो रहा है, क्या भी तो ये सब बकवास पर हमको पाकिस्तान और बांग्लादेश से क्या लेना देना है, हमको अपने देश से लेना देना है, और देश को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि पिछला